गोरखपुर मंडल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 110 के करीब पहुंच गई है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि मंडल में कोरोना के 110 से ज्यादा एक्टिव केस मिले हैं। 8 मरीजों की मौत हो चुकी है तथा अब तक 40 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि मंडल में जहां भी हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं वहां संक्रमण से बचने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहां के जनमानस को कोई दिक्कत न हो उसके लिए उन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। मंडलायुक्त ने सभी लोगों से अपील की है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, इस समय हमारे पास 110 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। करीब 40 लोगों को हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया है। 8 अनफॉर्चुनेट डेथ हुई हैं, जिसमें कि ज़्यादातर डेड बॉडी आई हैं बाहर से, और हम प्रयासरत हैं कि इसका संक्रमण से बचाव किया जाए। सर, हॉटस्पॉट जो बनाए गए हैं उस पर क्या निर्देश? हॉटस्पॉट का निर्देश, जो भी सीडिंग की कार्रवाई की जानी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत हम लोगों ने चारों जनपदों में किया है, और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो भी वहाँ पर जनमानस है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको आवश्यक वस्तुएं मिलें। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों को बाहर नहीं निकलना है अनावश्यक रूप से, और घर के अंदर ही रहना है जब तक कि ये लॉकडाउन चालू है, और उसके बाद जो भी निर्देश आएंगे उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।